सर, रिटन एग्जामिनेशन के लिए एज एवरीवन नोज कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है. जीएटी इज कंपैरेटिवली इजियर देन मैथ्स सेक्शन. मैथ्स इज डिफिकल्ट टू डील विद. मैंने उन चैप्टर्स को प्रिपेयर किया जो ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं और जो मेरे लिए ईजी भी हैं. आपके लिए क्या बेटर है वो आपको देखना होगा. एक ही टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, पर एक ही बच्चा सब कुछ नहीं पढ़ सकता. मुझे इतना पढ़ना है और इतना छोड़ देना है कि मेरे पास इतना टाइम बाकी है. सर, रिटन एग्जामिनेशन के लिए एज एवरीवन नोज कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और मैथ्स का पेपर बहुत टफ होता है कंपैरेटिवली. सो मुझे पता था कि समवेयर आई एम लैकिंग इन मैथ्स, सो आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर मैथ्स. इसलिए मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम निकाला था. सो मैं ट्वेल्थ मेरा ख़त्म हो गया था जब मैं फाइनल प्रिपेयर कर रही थी. इसलिए मैंने सुबह आई यूज़ टू गेट अप एट 6 to 10 आई यूज़ टू रिवाइज एवरीथिंग. एंड फिर सेंचुरियन के क्लासेस होते थे ऑनलाइन. सो फिर अराउंड 9 वो क्लास शुरू हो जाता था. सो ऑनलाइन रहता था, सो आई यूज़ टू स्टडी ऑनलाइन. तो फिर 9 to like around 1 to 2 क्लासेस होती थी और हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो गया, जीएटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक का 1 आवर का सेशन रहता था. तो जो सर पढ़ाते थे दैट आई यूज़ टू रिवाइज आफ्टर द क्लास हैविंग लंच. हाँ, 4 घंटे का हर रोज़ क्लास होता था लाइव. उसके बाद जो सिखाया है, जो पढ़ा है, वही रिवाइज करना था, क्योंकि एक बार करने से याद नहीं रहता है. इसलिए उसको बार बार करना पड़ रहा था. एंड हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट है जिसको एक बार पढ़ने से नहीं होता है और कभी पढ़ा भी नहीं इतना इंटरेस्ट से, बट अभी करना है तो सब कुछ सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ रहा था. इसलिए क्लासेस होने के बाद, ऑनलाइन क्लास होने के बाद, आई यूज़ टू सिट अगेन एंड आई यूज़ टू रिवाइज. आर्ली होता था सेशन, क्योंकि कोई भी बच्चा 4-5 घंटे एक जगह पर बैठ के नहीं कर सकता है, उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है. इसलिए मैंने 1-1 आवर के सेशन प्लान करके रखे थे कि 1 आवर अगर हिस्ट्री कर रही हूँ तो नेक्स्ट आवर आई डू मैथ्स. सो फर्स्ट जब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया था तब क्वेश्चन सॉल्व करना था. तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे किया कि इफ़ आई हैड टू सॉल्व 80 questions तो टाइम लगा के सॉल्व करती थी कि 80 questions कितने टाइम में हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिर 80 किया. फिर मैथ्स के पेपर में 120 questions आते हैं, तो 80 से 100 जंप किया, तो 100 questions कितने टाइम में हो रहे हैं. तो वो टाइम हमेशा कम करते जा रही थी. और जब मैंने फाइनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, फर्स्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया पेपर, तब दैट देन आई कुड रियलाइज कि ओके आई एम डूइंग वेल इन द टाइम मैनेजमेंट. मतलब कि मॉक टेस्ट ज्यादा देते रहो. हाँ सर. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सॉल्व करते. यस सर. बच्चों से जो जीएटी इज कंपैरेटिवली इजियर देन मैथ्स सेक्शन. मैथ्स इज डिफिकल्ट टू डील विद. तो मैंने क्लास 11th में ही अपना मैथ्स का पूरा सेक्शन कवर कर लिया था और साथ साथ में क्लास 12th का भी आधा सेक्शन हो गया था मेरा. आई गेव एनडीए 140, जो नोटिफिकेशन निकला था 148 कोर्स का निकला था. दैट टाइम आई हैड ओनली 1 month एंड आई जस्ट एंटर्ड इनटू क्लास 11. सो आई डिसाइडेड नॉट टू गिव दैट, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए 149. आई गेव द रिटन. दैट वॉज ऑल्सो नॉट अ काउंटेड अटेम्प्ट एज आई वॉज ऑलरेडी इन क्लास 11. 150 वॉज माई 12th अपियरिंग अटेम्प्ट, जिसमें अगर मैं पास करती तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एनडीए. और मैंने एनडीए 150 के लिए आई ज्वाइन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी. आई क्लियर द रिटन, आई ज्वाइन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी एंड टिल नाउ फॉर एनडीए 150. उसके बाद एनडीए 151 कोर्स, दे हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी. एनडीए 151 में आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 18 SSB अलाहाबाद एंड आई सिक्योर्ड AIR 387 एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मेरिट आउट. आई हैड ओनली 2 attempts एंड नाउ आई हैड ओनली 1 attempt. सो आई थॉट कि इसमें तो करना ही करना है. एंड नाउ फॉर एनडीए 151 आई गॉट रिकमेंडेड अगेन फ्रॉम 21 SSB भोपाल एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 49. जैसे ही मैंने एनडीए के लिए प्रिपेयर करने का फाइनली डिसाइड किया, मैंने एक बहुत ही अच्छी कोचिंग के लिए सर्च करना शुरू कर दिया. तो आई गॉट टू नो अबाउट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी थ्रू द यूट्यूब चैनल और वहाँ के प्रीवियस रिकमेंडेशंस के नंबर्स देखकर और उनका गुड रिजल्ट देखकर आई फाइनली एनरोल्ड इनटू सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी फॉर एनडीए 150 एंड आई क्लियर रिटन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. फॉर रिटन मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा. मैंने उन चैप्टर्स को प्रिपेयर किया जो ज़्यादा
जो ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं और जो मेरे लिए ईजी भी हैं, जिसकी वजह से मुझे 12th में बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो आप PYQ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक यही था, जो मैथ्स का सेक्शुअल कट ऑफ था वो बहुत आसानी से क्लियर हो गया। उसके बाद GAT के लिए मैंने 9th और 10th की NCERT सारी पढ़कर वहाँ के नोट्स बनाकर 4-5 बार अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि जो GAT का पार्ट होता है साइंस में बेसिक लेवल 9th और 10th का आता है। इंग्लिश के लिए आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। और जनरल नॉलेज आप सेंचुरियन की यूट्यूब चैनल से मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आप इजीली कवर कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आई क्लियर्ड माय रिटन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा पहला SSB पड़ा था 18 SSB इलाहाबाद, और दैट टाइम आई गॉट रिकमेंडेड एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 387 एंड माई इंटरव्यू स्कोर वॉज ऑल्सो 387 दैट टाइम। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मेरिट आउट। मेरिट आउट के बाद बुरा तो लगा था, नेचुरली कि किसी को बुरा लगेगा। खुद की स्ट्रेटजी, टीचर्स की स्ट्रेटजी, आपके लिए क्या बेटर है वो आपको देखना होगा। एक ही टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, पर एक ही बच्चा सब कुछ नहीं पढ़ सकता। वो क्या पढ़ने वाला है, क्या छोड़ने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है जो सबको बताई जाती है, फिर एक आपकी खुद की स्ट्रेटजी होती है। मुझे याद है मैं जब रिटर्न के लिए पढ़ती थी, कभी भी अगर मेरी कॉपी पलट के देखो, सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है, मेरे लिख रखा है हिस्ट्री में से इतने कर लेंगे, इसमें इतने कर लेंगे, इतने कर लेंगे। तो पहले के 5 मिनट मैंने रोज़ यही किया है। ठीक है, मतलब पढ़ने में थोड़ा बाद में पढ़ लेते थे, पहले स्ट्रेटजी बनाते थे, रोज़ की मेरी बनती थी। पर वैसे ही करके हुआ कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना छोड़ देना है, कि मेरे पास इतना टाइम बाकी है। और PYQ उसे तो लास्ट में एकदम देखना है कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है, क्या चीज़ पहले आ रही थी अब नहीं आ रही है। उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो उसको फॉलो करो। लास्ट में PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, एक बैठना पड़ेगा, पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो आपको आइडिया होगा कि आप अभी किस लेवल पे हैं, वहाँ से आपको जाना कहाँ पे है। फर्स्टली NDA के लिए अगर जितना मैंने समझा है, मैथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी ही करनी है, क्योंकि अगर पहला पेपर अगर आपका कम अच्छा होता है तो आप सेकेंड वाले में चाहते हुए आपको आ भी रहा होगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो मैथ तो इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैथ को आपको पर्टिकुलरली टाइम देना होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो टाइम मांगती है अपना। उसके चैप्टर्स भी वैसे ही हैं, और अभी तो आप लोग 11th 12th में हो, आपके पास आपकी जो बुक्स हैं NCERTs हैं, जैसे अभी आपका सिलेबस चल रहा है उसको वैसे ही कंप्लीट करो। जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके कितने फॉर्मूले एंड ऑल, मुझे याद है मेरे पास टाइम, तुम लोग के पास अभी टाइम है, मुझे याद है मैं चैप्टर देखती थी, पढ़ती थी, मेरे खुद के एक एक पेज के नोट हैं, ज़्यादा नहीं, पूरे चैप्टर का बस एक पेज, मुझे पता था मुझे यहाँ से निकल जाएगा मेरा। क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं? तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप दूसरों की तरह केवल ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर या गुमराह करने वाली कोचिंगों में पढ़कर अपने अटेम्प्ट्स को वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र कोर्स, जो कि आपको हेल्प करता है न सिर्फ NDA रिटन एग्जाम क्लियर करने में बल्कि SSB इंटरव्यू क्लियर करने में भी। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडरी में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र NDA कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।